लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है, वहां रोड, पानी, बिजली सब काम ठप पड़े हैं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों की भर्तियां बंद है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है। बीजेपी लगातार कह रही है कि हरियाणा में हिमाचल जैसा हाल ना हो जाए, क्राइसिस इस तरह आया है। हरियाणा में हिमाचल जैसा हाल ना हो जाए ये तो मुझे बीजेपी क्यों कह रही है, लेकिन हिमाचल का हाल बहुत अच्छा है और राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक रेटिंग के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हिमाचल पहली स्टेट जहां सरकार बनने के बाद ओपीएस दिया गया, पहली गारंटी पूरी थी। हिमाचल पहली स्टेट है जहां महिलाओं को 1500 रुपया प्रत्येक महिला को, हमारी जो प्यारी बेटी है जो 18 साल से अधिक की उम्र होगी उसको दिया गया। हिमाचल पहला देश का एकमात्र राज्य है जहां दूध पर है मिनिमम स्पोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, गाय के दूध पर 45 रुपए किलो और भैंस के दूध पर 55 रुपए किलो के आधार पर निर्धारित किया। हिमाचल पहली स्टेट है जहाँ प्राकृतिक खेती में गेहूं का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 40 रुपए किलो और मक्की का 30 रुपए किलो निर्धारित किया। ये सब जगह अच्छा काम हो रहा है और इस प्रकार की राजनीतिक बात करके कोई लाभ नहीं होता, लेकिन हिमाचल में अगर अच्छा काम नहीं होता तो जो 34 सीटें रहेंगी तो उसमें 6 द्वारा हमारे को लोग जिताकर वापस सत्ता में मिला। सर, दिल्ली स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर कब कामकाज शुरू हो रहा है? स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के लिए विधानसभा के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों की माननीय हमारे जो पार्लियामेंट मिनिस्टर है उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई है। स्ट्रीट वेंडर्स देश के किसी भी नागरिक को प्रदेश में काम करने का अधिकार है, लेकिन वेंडर जोन बनाना है कि आप यहाँ बैठकर अपना काम करेंगे। इस दृष्टिकोण से क्योंकि नैरो गलियों में नहीं लगना चाहिए, इस दृष्टि से वो सोच रहे हैं और निश्चित तौर पर जल्द इसकी पॉलिसी बनती है। कुछ नहीं, मुलाकात हरियाणा में कंप्लेन के लिए जाना पार्टी का देश हुआ है। भवानी वगैरह यहाँ पे जहाँ से भी वो प्रोग्राम देंगे उनके प्रदेशाध्यक्ष उसके बाद। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि हिमाचल में कभी सांप्रदायिक बातें नहीं हुई जिस तरीके से दिनों हमने देखा, ये क्या कुछ रहा सर? आज भी कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, हिमाचल का माहौल सुधारपूर्ण है, पर यहाँ पता नहीं लगता कि छोटी छोटी बातों के इतना बड़ा बनाकर बचा दिया जाता है। हिमाचल में ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिले, ये हिमाचल की संस्कृति का परिचय ही है, जहाँ जो अवैध मस्जिद पर दो बिल्डिंग दो स्टोरी बनाई थी उसमें उस मस्जिद के इमाम, उस मस्जिद के जो वहाँ करता था उन्होंने आकर खुद ही कहा कि हम तोड़ देंगे। तो अब उसमें आप राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए इस प्रकार की बात करना गलत है, जब खुद ही कह रहे हैं, लेकिन अब कानून के तहत जो भी फैसला आएगा उसमें काम करेंगे।